अभी आप देखोगे तो आपको मतलब मुझे भी काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे या फिर कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करता है कि मैं इस चीज़ में फ़ेल हुआ, उस चीज़ में फ़ेल हुआ। सो आप फेलियर को आप देखते कैसे हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है फेलियर को लेकर, और आप उसे टैकल कैसे करते हो? फेलियर पे मेरा एक ही पर्सपेक्टिव है कि वो आना चाहिए लाइफ में, क्योंकि फेलियर कब आता है? जब आप ट्राई करते हो तभी फेलियर आता है, ठीक है? अगर फेलियर ही आपकी लाइफ में नहीं है तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए हमेशा फेलियर को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि फेलियर तभी आएगा जब आप ट्राई करोगे। तो ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी चीज़ हो, आपको जो भी चीज़ पसंद है करना और आपको डर लग रहा है कि यार ये करूँ कि नहीं करूँ, लोग क्या सोचेंगे, सबसे पहली बात तो लोग क्या सोचेंगे ये दिमाग से निकाल दो। अगर ये भी हम लोग सोचने बैठ गए कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे? सोचना वो लोग का काम है, तो कम्प्लीटली वो लोग को सोचना चाहिए, अपने को जो पसंद है वो करने का। और फेलियर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब फेल हो जाएंगे, आने दो फेलियर, आने दो। तो फेलियर आने के बाद भी कभी भी ऐसा होता है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो नेचुरल है, कम्प्लीटली नेचुरल है। वो आप लोग, आपको भी पता रहेगा, अभी आप भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, वो वीडियो आपके हिसाब से नहीं चली। अभी कभी ऐसा होता है कि अपन प्लान करते हैं यार इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत डालते हैं, और उसके बाद वो वीडियो नहीं चलती है, क्या हुआ, एक दिन फेल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम रुक गए तो फिर वो मतलब नहीं है, फिर अपने को वहाँ से सीखना चाहिए कि अपन फेल क्यों हुए, क्या गलती किया। हाँ, सेम वीडियो अगर दूसरा कोई बनाता है और वो वीडियो क्यों चली उसकी, वो देखना चाहिए कि अपन ने क्या गलती किया था, उसने क्या अच्छा किया था, तो वहाँ से सीखना चाहिए। और अपने फेलियर से भी अपने को सीखना चाहिए, तभी जाके लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ ग्रो कर पाएंगे। राइट।